मैं नेहा चौधरी नेहा यमी रेसिपी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज भरवा बैगन बनाते हैं। इसके लिए 5 बैगन, 3 प्याज, 4 हरी मिर्च, थोड़ी सी लहसुन, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच आमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर ली हूँ। प्याज, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनके तैयार है। चलिए मसाले को भून लेते हैं। 4 चम्मच तेल ली हूँ, इसे गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया, अब इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं। जीरा ब्राउन हो गया, अब इसमें लहसुन, हरी मिर्च और प्याज का पेस्ट डाल देंगे। इसको ब्राउन होने तक चला चला के भुनेंगे। प्याज, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट ब्राउन हो गया, अब इसमें मसाला ऐड करते हैं। मसाला डालने से पहले फ्लेम को लो कर लेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच आमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे। इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। मसाला रेडी हो गया, अब गैस को ऑफ कर लेते हैं। ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक बैगन को कट कर लेते हैं। बैगन को बीच से कट कर लेंगे। इसके अंदर से थोड़े थोड़े बीज को निकाल लेंगे। पूरे बीज को नहीं निकालना है। इसके डंडी को भी नहीं काटना है। बाकी बैगन को भी ऐसे निकाल लेंगे। सारे बैगन को कट कर ली हूँ। इस निकले हुए बीज को यूज नहीं करना है। मसाला ठंडा हो गया, अब इसे बैगन में भर लेते हैं। इसे चम्मच में लेके थोड़ा थोड़ा भर लेंगे। अच्छे से दबा दबा के भरेंगे मसाले को। और फिर इसको चिपका देंगे। बैगन में मसाला भर के रेडी कर लिया, अब इसको फ्राई कर लेते हैं। 5-6 चम्मच तेल डाल ली हूँ, इसे गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया, अब इसमें बैगन को डाल देते हैं। इसको ऐसे चला लेंगे। इसको चारों तरफ पलट पलट के पकाएंगे।
इसमें 2 पिंच नमक डाल देंगे। चारों तरफ से ये थोड़ा थोड़ा पक गया है, अब इसे लो फ्लेम पे 1 मिनट तक पकने देते हैं ढककर। अब इसको चला लेते हैं। अच्छे से पक चुका है ये, इसे और 1 मिनट पकाएंगे बस। इसको साइड में कर लेंगे डंडी पकड़ के। और इसे 1 मिनट पकने देंगे, इससे ये नीचे से भी अच्छे से पक जाएगा। इसे 1 मिनट तक घुमा घुमा के पका लेंगे ऐसे। बैगन अच्छे से फ्राई हो गया है, अब गैस को ऑफ कर लेते हैं। भरवा बैगन बनके तैयार है, आप भी इसे एक बार जरूर बनाइए और कमेंट्स में बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आपको मेरी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, आप वहां से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।